हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ नूडल्स। तो घर पे ही बनाया था मैंने ये नूडल्स, तो चलिए इसे किस तरह बनाते हैं देखते हैं। तो मैंने आटा लिया है 2 कप, उस पर नमक डालकर अच्छे से गूंद कर ले लिया है। और इसे मैंने देखिए एकदम अच्छे से गर्म पानी पर हमें इसको पकाना है। तो मैंने एक ट्रिप बना लिया है, तो दूसरे ट्रिप जो है वो आपको मैं बताती हूँ। जो आप चकली बनाते हैं ना, उस मोल्ड पर डालकर देखिए इस तरह से आपको इस आटे हमने गूंद कर रखा था ना, उसको इस तरह से डालना है गर्म पानी में। तो इस पानी पर मैंने नमक डाला था और अच्छे से उबालने के बाद, उसको पकने के बाद हमें डालना है आइस वाटर पर इस नूडल्स को। और उसमें से निकाल कर देखिए इस तरह में एक अलग बर्तन में इसे निकाल देना है। इसी तरह मैंने नूडल्स रेडी किया है, बहुत ही आसान है। तो मार्केट से खरीदने से बहुत ही टेस्टी भी है जो घर पर हम बनाते हैं नूडल्स। तो बाकी के जो उसका जो मसाला है, जो आप हक्का जो वेज नूडल्स बनाता ना, उसी हिसाब से बनाइएगा। तो मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, ऑयल गर्म होते ही उस पर मैंने लहसुन प्याज वगैरह ऐड किया है। तो आपके घर पे कितने लोग हैं उसी हिसाब से आटा को गूंद के ले रहा है। तो आप जितने नूडल्स आपको चाहिए उसी हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने 2 कप आटा लिया था, उसको गूंद कर मैंने रख दिया था। एकदम पतला नहीं रखना है, एकदम कड़क भी नहीं बनाना है, मीडियम सॉफ्ट करना है। तो देखिए अभी मैंने प्याज अच्छे से भून चुका है। उसके बाद हमें इस पर ऐड करना है कैप्सिकम और कैरेट, अच्छे से उससे भी भून लेना है। और मैं इस पर ऐड कर रही हूँ कैबेज। तो आपके पास जो वेजिटेबल्स है आप उसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस होममेड नूडल्स रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा, बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से मैंने ये नूडल्स रेडी किया है। हमें तो इतनी ताकत नहीं रहते हैं जो आटा की, जो वो क्या बोलते हैं उस नूडल्स को, हमें उस मोल्ड से निकालने में थोड़ा कठिन लगता है। इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला था जरा उसे मुझे वो नूडल्स बना कर दे दीजिएगा। बाकी के मसाला मैंने रेडी किया है। तो अभी मैंने इस पर ऐड किया है 2 टीस्पून काली मिर्च की पाउडर और सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस और हमें चाहिए टोमेटो सॉस। ये सब सॉसेस वगैरह आपके टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो आप आटे से भी नूडल्स बना सकते हैं, मैदे से भी नूडल्स बना सकते हैं। तो सिंपल सा रेसिपी है ना, कोई भी बना सकते हैं इसे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है जो घर पर बना हुआ नूडल्स, तो इसे देखकर भी बहुत ही यम्मी लगता है और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो घर पर सबको बना कर दिया, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो इस लॉकडाउन में आप सब लोग, अभी सब लोग घर पर है, तो आप इस तरह सब बना कर ट्राई कीजिएगा और अपने घर पर सबको बना कर दे दीजिएगा, सबको बहुत ही अच्छा लगने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट में ही हो या फिर इवनिंग स्नैक्स में हो, आप इसे बना कर दे सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म वेज नूडल्स यहाँ पर रेडी हो चुका है, आटा नूडल्स होममेड। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा ना। तो ज़रूर आप लोग भी इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा ये रेसिपी। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।